हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द नंबर्स बाय 10। तो हमें बेटा यहाँ डिवाइड करना है, जैसे कि डिवाइड आप लोगों को आता है, तो 10 से डिवाइड करना है हमें, बहुत इजी होता है। मैं इसका आपको एक इजी मेथड बताती हूँ। इसका इजी मेथड ये है कि हमें यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है 230, इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। क्लियर? इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। सारे क्वेश्चंस को आपको 10 से ही डिवाइड करना है। तो हमने क्या कर लिया, इसका एक इजी मेथड ये है बेटा कि आप डिवाइड इस तरह से करते हो, ठीक है। तो इजी मेथड ये है कि यहाँ पे आपका बिना डिवाइड किए इसका आंसर लिखना है। तो बिना डिवाइड किए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 10 है, 10 में कितने जीरोज होते हैं, 10 होते हैं, तो यहाँ पे आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मीन्स यहाँ से आपने 10 हटा दिया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 230/10। तो यहाँ 10 जो वंस की प्लेस पे अगर जीरो है तो ही हम इसे कर सकते हैं। अगर आपका ये जीरो अगर 10 की प्लेस पे होगा, 1 की प्लेस पे 3 होगा, तो ये जीरो कट नहीं होगा। लेकिन दोनों जगह 1 की प्लेस पे है तो आपने 1 की प्लेस के जीरोस को काट दिए, और काटने के बाद हमें दोनों साइड के 1 को काटना है, न कि सिर्फ एक को। तो हमारा बचा क्या, ओनली 23। आप इस मेथड से सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं, आपका 23 आंसर आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सब में कर सकते हैं। आपको 1 की प्लेस पे 0 है, 10 से सभी को करना है, तो सारे 1 की प्लेस के 0 हट जाएंगे, जो नंबर बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन। हमें इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन दोनों फाइंड करना है। तो फर्स्ट है, जैसे इसके दो मेथड है, जैसे फर्स्ट है 345 को 10 से डिवाइड करना है। एक मेथड तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। यहाँ पे देखिए 1 की प्लेस पे 0 है, अगर यहाँ पे आपका 10, 100, 1000, 10000 ऐसे अगर डिजिट रहने की 1, यहाँ पे 10 की प्लेस पे लेके यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 के बाद चाहे 100 हो, 1000 हो, सिर्फ ये 1 के ही इसमें होना चाहिए। 10, 100, 1000, 10000 ऐसे। तो आप यहाँ देखिए 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, मीन्स इसका आंसर हो गया 34.5। इसमें अगर हम कहेंगे कि रिमाइंडर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, तो पॉइंट के पहले जो होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो बनता है हमारा रिमाइंडर। आप इसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नाउ बी क्वेश्चन नंबर 2, इसे आपको बेटा इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। 4681 को हमें 30 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए बेटा आपको 30 का टेबल आता नहीं है, तो हम फिलहाल यहाँ से 10 हटा दे रहे हैं। 10 सिर्फ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 30 है, हम 3 की टेबल पढ़ेंगे। यहाँ 3 देखिए, ये 2 डिजिट में है, तो 2 डिजिट में हम पहले सॉल्व करेंगे। हमने 10 को हाइड कर दिया, तो बचा क्या 3 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे। 3 मीन्स 30 हम 0 को साइलेंट रखेंगे, वो हाइड करके रखेंगे, बाद में लगा देंगे। 3 1 3 और साइड में 0 लगा देंगे। फिर इसको माइनस करना है, 6 में से 0 माइनस किया, हमारा आंसर आया 6, 4 में से 3 माइनस किया 1। क्लियर? फिर नेक्स्ट डिजिट बेटा हमने यहाँ कॉपी डाउन किया, आ गया 8। अब 30 का टेबल हमें इसमें पढ़ना है, तो हम यहाँ पे जो 0 से पहले लगा दिए, बचा क्या हमारे पास 3। अब 3 का टेबल हमें 16 आने तक पढ़ना है, तो 3 5 15 3 6 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने यहाँ 3 5 15 किया, ये हो गया हमारा 150। हमने फिर इससे माइनस किया, माइनस करने पर हमारा 8 5 में से 6 में से 5 गया 1 0। फिर नेक्स्ट डिजिट हमने यहाँ कॉपी डाउन की, 1 आया, फिर सेम प्रोसीजर, 0 हमने लिख दिया, बचा क्या 3। 3 का टेबल 18 में पढ़ना है, तो 3 6 18, फिर हमने इसे माइनस किया 1 0 0। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमारे पास नहीं है,
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर क्या, रिमाइंडर क्या बच गया, वन। हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया 156 और हमारा जो रिमाइंडर है वो हो गया वन। क्लियर बेटा? तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों का है डिवाइड करना है आपको इस तरह से, जैसे ये है डिवाइड वाले में आपका मोस्टली रिमाइंडर नहीं बचेगा। और क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो भी आपका सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड की ही तरह, जिसे आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, उसमें भी आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर लिखना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मिस सिंह वॉट 480 मीटर्स ऑफ सेटिन क्लॉथ फ्रॉम अ नियर बाय होलसेल मार्केट टू मेक कर्टेन्स। मिस सिंह ने 480 मीटर सर्टेन का कपड़ा खरीदा है मार्केट से। शी गॉट 80 कर्टन स्टीचेज आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट। पूरे कपड़े में से उन्हें कितने कपड़े, कितने पर्दे मिले हैं, 80। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच कर्टन। तो हर कर्टन की लेंथ क्या होगी, तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे। टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, 480 मीटर। क्लियर? टोटल क्लॉथ है हमारे पास 480 मीटर, जिसमें से हमें कितने कर्टेंस कितने मिले हैं हमें, आप लोग कंप्लीट करिए। थैंक यू।